नमस्कार, मैं प्रिय रंजन। और आज के इस एपिसोड में हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो न्यूली लिस्टेड आईपीओ आइनॉक्स इंडिया के बारे में होने वाला है। बहुत सारे ज्ञानचंद अपने को एक्सपर्ट बता करके टारगेट 1200 और 1500 जैसे लेवल्स प्रिडिक्ट कर रहे थे। हमने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट दिया कि पर्सनली आई थिंक कि इट कैन गो डाउन, और ऐसे देखेंगे कि जिस प्रकार से हमने कहा था, और ये स्टॉक 800 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मैंने हमेशा से कहा है कि बुल रन में बहुत सारे एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, लेकिन वही बियर मार्केट में अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो सभी आपको डिसअपेयर होते देखेंगे। तो हमेशा मैं कहता हूं कि इन्वेस्टिंग करना भी इतना आसान नहीं है। ट्रेड लेने से पहले चार्ट को वॉच आउट करें, उसके लेवल्स को समझें, और उसके बाद ही पैसे लगाने चाहिए। इस समय आगे आइनॉक्स इंडिया में क्या करना चाहिए? आई कांट डिनाई, मैं इस बात को नहीं इग्नोर कर रहा हूं कि अपने सेक्टर का सबसे बेस्ट कंपनी है, लेकिन टेक्निकली इस समय ये स्टॉक काफी वीक है। एक बार इसके आज के कामकाज को देखेंगे। काफी नोमिनल वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। 1,90,753 शेयर, काफी नोमिनल शेयर है। इतने शेयर तो इस प्राइस के मैं पर्सनली खरीद सकता हूं। तो ये काफी नोमिनल वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। डिलीवरी बेटर दिख रही है, डिलीवरी 45% की है, बेटर दिख रही है। इंडिविजुअल स्टॉक के कुछ भी अपडेट्स नहीं है। अगर बात करें कि स्टॉक में क्या कोई अपडेट्स है, तो कुछ भी अपडेट्स नहीं है। इस समय जो भी अपडेट्स दिख रहे हैं वो सभी मैनिपुलेटिव अपडेट्स हैं, क्योंकि इसके इंडिविजुअल कुछ भी न्यूज़ नहीं दिख रही है। डिलीवरी बेटर दिख रहा है, और ये डिलीवरी कौन ले रहा है? ये डिलीवरी 110% मैं एश्योर्ड हूं कि ये रिटेल ट्रेडरों के द्वारा ही माल को भरा जा रहा है। लेकिन अभी भी बेस्ट टाइमिंग नहीं है, या वो वैल्यू बाइंग जोन मुझे नहीं दिख रहा। टेक्निकली काफी वीक रहे। जिन्होंने ऊपर एग्जिट करे उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जो फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए उसको आगे देखें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में चाहे तो शेयर कर सकते हैं। यहां देखेंगे तो वन साइडेड डाउन ट्रेंड दिखा है, और नो वन नोज, हो सकता है कि ये 600, 520 जैसे लेवल्स भी दिखे। लेकिन जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है तो इस समय इस स्टॉक में लॉन्ग कब करेंगे? लॉन्ग तब करेंगे जब मिनिमम इस जोन को ब्रेकआउट करे, क्योंकि 855 to 872 ये एक सप्लाई जोन होगा। जो लोग यहां फंसे हुए हैं, यहां वीक हैंड ट्रेडर एग्जिट लेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि इस स्टॉक में 876 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे। और लोअर साइड की जो प्रोबेबिलिटी है कि आखिर कहां तक टच कर सकता है, तो ये स्टॉक 740, 660 और 620 जैसे लेवल्स भी दिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।